कोरोना के बारे में ये खबर आपकी चिंता बढ़ा सकती है। दक्षिण कोरिया में एक दिन में 4,741 नए केस सामने आए हैं। कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि एक तरफ तो कोरिया कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों में ढील देने की सोच रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते इतनी बड़ी संख्या में सामने आए संक्रमितों ने फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 164 लोगों की मौत हुई है। युद्ध के कारण यूरोप में भी कोरोना बढ़ता जा रहा है। हमने आपको बताया था कि चीन में भी पिछले 2 साल में पहली बार संक्रमितों की बड़ी संख्या सामने आ रही है। वहां 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लॉकडाउन में ढकेल दिया गया है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि कोविड के मामलों में बढ़ोतरी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 की वजह से हो रही है, जिसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। भारत में भी तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना गया था। ऐसी खबरें भी हैं कि जून में चौथी लहर आ सकती है। हम यही उम्मीद करते हैं कि भारत में कोरोना न बढ़े और सभी लोग होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाएं और देखते रहें आज तक।